ये वाले तुमने शूट करी थी क्या? हाँ ये वाले, ये तो बहुत वायरल हुई। यार तो देखो ये अब स्टार्ट हो चुका है मेरा एक जगह का ट्रिप, जो कि लाइफ का सबसे लंबा ट्रिप हो सकता है मेरा, हो क्या सकता है अभी तक का सबसे लंबा ट्रिप है जो। वैसे तो मुझे कल सुबह सुबह निकलना था, जो मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था उसकी वजह से मुझे डिले हो गया। अभी शाम को निकलूंगा 4 बजे करीब, और मुझे लग रहा है रात भर चलूंगा। अब देखो सबसे टफ काम है जो एक राइडर की लाइफ का, वो होता है इस बैग को यहाँ पीछे बांधना। अरे भाई मुझे निकलना है, तू दिमाग से पागल है, ये बता। खड़ा कर उसे, डबल स्टैंड में लगा। अरे यार तू मुझे जाने नहीं देगा ना? वे स्टैंड, बेवकूफ़ी रहेगा ये लाइफ में। जा 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 घूम। ऐसे शुरुआत हो रही है मेरे हैदराबाद के टूर की। तो दोस्तों हाँ आपने सही सुना, अभी मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद से। मैंने वैसे प्लान बनाया था कि मैं 3 स्टॉप पे जाऊँगा। पहले दिन निकलूँगा मैं, जो आज सुबह स्टार्ट होने वाला था वो था देहरादून से झांसी तक, पर अब जैसे आपको पता ही अब तो हो नहीं सकता है। अबे यार उसका ढक्कन दे यार तू। भाई मुझे लेट हो रही है यार, मुझे आगरा नहीं, मुझे मार देना यार जल्दी। लव यू। यहाँ से निकल चुका हूँ हैदराबाद के टूर के लिए अपना। जो मेरा मोबाइल था वो उसकी डिस्प्ले खराब हो गई थी अपने आप ही, वाओ। पर जो पैसे मैंने बचाए थे टूर के लिए अपने, वो सारे वहीं खर्च हो गए, तो दुख तो होता है। ऊपर से स्पाइडी को बिठा रखा। आई लाइक स्पाइडी सर। इट डजंट मैटर अबाउट योर मॉडिफिकेशन ब्रो, व्हाट इट मैटर्स इज क्रिएटिविटी। देखो तो इसी रीजन की वजह से मैं जिक्सर चूज करी मैंने आने के लिए, बुलेट से थोड़ी तेज है। तो अब यहाँ से हम सायन आ रहा, बाय बाय, मतलब आऊंगा फिर दोबारा, जल्दी आऊंगा और रिटर्न करेंगे वापसी अपने अंदाज में। और ये अंदाज बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। तो यार कल शाम को मैं अपनी दोस्त से मिलने भी गया था और मिल लिए, घूमे घामे हम थोड़ा, फिर बारिश आ गई थी, देन उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। कहीं जाना तो था हमें पर लेट हो गई है वैसे। अभी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है अभी। हाँ। देखते हैं पॉल्यूशन होता है यहाँ कहीं आगे। बाय बाय। तो यार देखो मैं अपनी जर्नी की तरफ निकल चुका हूँ और ये है मेरा हैदराबाद का ट्रिप। तो होप करता हूँ अच्छा निकले, आप लोगों का बस आशीर्वाद चाहिए एक तरह से। पैसे बचाए मैंने और मोबाइल में उड़ा दिए वैसे मैंने, एक तो ये नोट 8 एज वाले मोबाइल और ऊपर से इनकी डिस्प्ले इतनी महंगी, पर कोई नहीं मैंने इंतजाम कर दिया फिर भी रुपए। तो 500 के करने के लिए पहले तो थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा वो भी चेकिंग वगैरह नहीं हो रही थी वरना मेरी तो वाट लग जाती, क्योंकि पॉल्यूशन था नहीं। मुझे एक तो पॉल्यूशन वाले कोई पेट्रोल पंप ही नहीं मिला यार, ओ माय गॉड। काश मेरे यहाँ पे कोई 4 सिलेंडर बाइक होती, मैं इतना रेव करता यहाँ पे, इतना रेव करता, पर अभी फ़ायदा नहीं है, अभी बेकार में बेइज्जती हो जाएगी। हाँ क्या मजा आते। मुझे लगा था यहाँ ट्रैफिक नहीं होगा, मुझे ओपन ओपन रोड मिलेगी, मैं तेज भगाऊंगा, एक कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे से चलेंगे। ऐसी रोड देखने के लिए तो मैं तरसता हूँ यार, सोलो राइड का भी अलग ही मजा है, कुछ भी बोलो। हाँ एकदम आजादी, बहुत टाइम बाद। आप लोग भी कई टाइम से बोल रहे थे कि लंबा जाओ लंबा जाओ लंबा जाओ, तो लो भाई लोगों आपने बोला और हमने सुना, लंबा चलेंगे। प्रदूषण जाँच केंद्र पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन करा दिया है यार। यूपी में पॉल्यूशन 50 रुपये का है और उत्तराखंड में 100 रुपये का, तो डिफरेंस देख रहे हो। अगर कल भी ऐसी गर्मी रही तो भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा वैसे ट्रैवल इतनी गर्मी में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं क्या आज रात को चल के और कल सुबह कहीं रुक जाऊँ तो ये भी कर सकता हूँ मैं, देखते हैं यार। अभी पहले चल तो ले, फिलहाल जितना ज़्यादा लंबा चलूँगा उतना ठीक है। सी एम आई लुकिंग कूल, एम आई लुकिंग कूल, यस आई एम लुकिंग। यार वैसे देखो भले ये 160 सीसी की है, मैं कोई प्रमोशन वगैरह के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 250 भी चलाई सुजुकी और 150 भी चलाई सुजुकी, ये इतनी बढ़िया बाइक है ना दोनों, तुम्हें इस सेगमेंट में इससे बेटर बाइक नहीं मिल सकती और इस प्राइस रेंज में। क्या नहीं है इसमें, पावर है, एवरेज है, लुक है, और क्या चाहिए यार ये बताओ मुझे। और भाई ऊपर जा, बहुत ऊपर जाएगा तू, बहुत ऊपर जाएगा, चलते चलते स्टंट मार रहे है बताओ। तुम अगर कार वाले हो तुम इस फील को नहीं ले सकते जो मैं ले रहा हूँ इस टाइम पे, राइडर्स वगैरह वो तो समझ सकते हैं लंबे रास्तों में कितना मजा आती है यार। इसमें तो नहीं है वैसे बैठ रहा, नहीं इसमें चला रहा है, तमीज से चला रहा है भाई। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट होंगे, एक जाएगा सहारनपुर की तरफ और एक दूसरा जाएगा मुजफ्फरनगर की तरफ, तो मुझको जो जाना है वो है मुजफ्फरनगर की तरफ। अभी यार मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आगरा तक पहुँच जाऊँ ना किसी तरह बढ़िया हो जाएगा, तो आगरा के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे जाना है या रात में ट्रैवल करना है या नहीं करना है। ला 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 ला, क्या करूँ मैं अकेले अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ यार, भाई इसके हैंडल वाइब्रेट हो रहा है, पर मैं क्या करूँ मुझे तो चलना है। देखो मैं ऐसी बौखला जाता हूँ भाई जब मैं अकेला अकेला चलता हूँ ना, मैं कुछ भी बोलने लगता हूँ, कुछ भी पागलों की तरह यार। एक तो रास्ते भी इतने कंफ्यूजिंग है ना, पूछो मत यार, बहुत दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत। अब मुझे नहीं पता है ना रास्ते,
तो मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब हल्का सा आगे चली गया एक, मतलब सिर्फ मोड़ लेना भूल गया, मतलब जैसे नीचे जाना भूल गया तो आगे से बस घूम के आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा चलता है, चलता है, मैं बोल रहा हूँ छोटा मोटा चलता है। हो जाती है गलती, इंसान ही तो हूँ, तुम तो साले गाली देने लग जाते हो मुझे इतनी सी बात में। ये मैं कौन सी जगह पहुंच गया हूँ ब्रो, फालूदा यार। बादाम शेक पीने का मन तो कर रहा है वैसे, पर मेरा ऐसा रुकने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। चलते चलते कोई ऐसा पकड़ा देता ना बादाम शेक, मजा आ जाती यार। जैसे जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं उनको नहीं पकड़ाते, बस वही सेम चाहिए था मुझे, पर कोई देता ही नहीं ऐसे। जगह का नाम है क्या, खैर जगह कोई भी हो, मुझे क्या, मुझे इतना मजा आ रही है ना, इतना मजा आ रही है, मतलब सोच के अंदर से एक थ्रिल नहीं होता अंदर से, मतलब दिल जकड़ रखा यार उस चीज ने, अलग ही फील है इसका। तो बॉयज आई मीन दियोबंद ऐसे कुछ नाम था यहाँ का, वो सब छोड़ो, वो क्या है उधर, नहीं 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 वो क्या है, वो कौन सा किला है। तो भाई जी मिले अभी यहाँ पे दियोबंद में, इन्होंने बताया ये जो इस्लामिक की पढ़ाई होती है वो लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी के हिसाब से बड़ा भयंकर लग रहा है, नंबर वन लाइब्रेरी। वैसे तो हर धर्म की है, हाँ हिंदू क्रिश्चियनिटी यहूदी सब की है वैसे, पर मेन हाँ मेजोरिटी उसमें है। चलो ठीक है भाई जी, बढ़िया लगा आपसे मिल गए, ठीक है मिलते हैं। जैसे भाई जी बता रहे थे एशिया की नंबर वन लाइब्रेरी में से है ये। चलो बाय बाय दियोबंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, कभी आना होगा। और ये मेरी गड्डी और ट्रक आ गया और मेरी फाड़ देगा, जस्ट किडिंग। ट्रैक्टर का मुंह सीधा है उल्टा है, अच्छा ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर, ये तेरी बैंकर, अरे नहीं नहीं चीचा नहीं, ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर, ये तो ऐसे हो गया एक मर्द के ऊपर एक मर्द, छीछी छीछी, ये तो गलत बात है भाई। यहाँ से आगरा 300 किलोमीटर है, मतलब मैं आगरा तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर वैसे जाना मुझे और आगे है, बार बार तो मैं आऊँगा नहीं यहाँ पे, है ना, तो मैं शहर के बीच बीच से होके जाऊँगा, घूम के भी चले आऊँगा। अच्छा तो इस शहर का नाम है शेरपुर, अरे भाई कितना ट्रैफिक है यार, मैं गलत आ गया पता। अब मैं ऐसा करूँगा बाईपास ही पकड़ूंगा, लंबे होंगे भले ही पर थोड़ा स्पीड तो रहेगी यार, यहाँ देखो ना 30-30 ऐसे चल रही है। तो मुजफ्फरनगर पहुँचते मैंने वेट करने की सोची थोड़ा, और तभी पुलिस वालों ने अप्रोच करा मुझे और मेरा माइक भी बंद हो गया उस समय। क्या काम करते हो आप? यूट्यूबर। अच्छा यूट्यूबर हो? यूट्यूबर। क्या नाम है आपका? जी हनी बॉय। हनी बॉय, ये वाली तुमने शूट करी थी क्या? हाँ ये वाली, ये तो बहुत वायरल हुई। अरे देखी थी आपने पहले? ठीक है सर, मिले मुझे इन्होंने बोला कि जो आपकी वीडियो वायरल हुई वो हमने देखी है, क्यों नहीं देखी हमने, बहुत अच्छी वीडियो थी, तो उन्होंने भी मजे लिए थोड़े। चलो मैं मुजफ्फरनगर के नज़ारे लेता हूँ थोड़ा। ये देखो सब उल्टे पैर भाग रहे हैं, चेकिंग हो रही है आगे, अरे इतना भयंकर लगता है क्या जाम। तो इन भाई ने बोला कि इधर से चलो, अगर चल रहे हो तो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं ले आता हूँ तुमको गली गली से। मैंने बोला ठीक है भाई, निकल गया फाइनली मैं मुजफ्फरनगर। बाय, नेक्स्ट स्टॉप मेरठ, तो मेरठ के अंदर से नहीं जाऊंगा मैं कुछ भी। अब मैंने अपने दोस्त को बोला था कल शाम तक मैं नागपुर पहुंच जाऊंगा, पर किसी रीज़न की वजह से देखो मैं आज दिन में निकला हूं, अभी 4 बजे या 5 बजे करीब, तो मुझे लेट हो गई है। अपनी जुबान पूरी करने के लिए मैं पहुंचने की पूरी ट्राई करूंगा, चाहे मुझे रात भर भी चलना पड़े। पता नहीं कहां पे पहुंचे हैं अभी, पर जगह बहुत अच्छी लग रही है, रात भर चलना पड़ेगा मुझे लग रहा, गाड़ियां तो बहुत तेज भगा रहे लोग। थैंक यू भैया, अब मैंने जाना है हैदराबाद बाइक से। तो इनसे अभी फोटोज़ क्लिक कराई मैंने, और फोटोज़ आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम के अकाउंट में, तो जाइए वहाँ पे, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम। खुल रखे डिज्नीलैंड है क्या? एक वादे को बचाने के लिए इतने दूर इतने रात में ट्रैवल करूँगा मैं, बोलते नहीं एक मर्द की जुबान, सही बोलते हैं एक मर्द नहीं है एक इंसान की जुबान होती है, जो बोल दिया सो बोल दिया, अब उसको कैसे पूरा करना है ये नहीं पता, बस पूरा करना है, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, अपना पूरा ट्राई दो। अभी देखो मैं 290 किलोमीटर 300 किलोमीटर में नॉन स्टॉप चला हूँ अभी, ठीक है। फक मी ब्रो फक मी, ऐसे होते हैं टोल प्लाजा यार, ये हमारे उत्तराखंड में अजीब अजीब से। यहाँ पर तो फोटोज़ कितनी प्यारी प्यारी आएगी यार, बताओ लड़कियों की, हमारी नहीं आएगी क्योंकि हमारी शक्ल ही अच्छी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। बसंती ढाबा, अच्छा बसंत ढाबा, सॉरी ब्रो सॉरी, मैं हर चीज़ को गलत ले लेता हूँ यार। 300 किलोमीटर कंप्लीट हो गए, नो रेस्ट, गलत है वैसे, आपको रेस्ट लेना चाहिए। कईयों को मैं गलत भी लगूंगा, पर मैं अपने उसूलों को पक्का हूँ इस चीज़ में, मैं कूल बनने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, मैं हूँ कूल इस चीज़ में। मेरे बम चाहे खून निकल जाए पीछे से, मतलब वो तो बाबा सिर में निकलता है वैसा वाला खून, नहीं छिल जाए मतलब, पर मैं फिर भी चलूँगा। संस्कृति यूनिवर्सिटी नेम अच्छा है। ओ तेरी, ये इनकी बिल्डिंग क्या सही लग रही, अगर आपको नहीं दिख रही होगी तो स्टिल। फिर देखो बस मैं मथुरा पहुंचने वाला हूँ, और वृंदावन इधर और गोवर्धन इधर, बीच है मथुरा,
आई लव बसेरा। ओ भाई साहब कितना सेक्सी लग रहा हो। कभी मेरे पे इतने पैसे होंगे मैं यहाँ अंदर जा पाऊँ। पैलेस अलादीन के ससुर का पैलेस लग रहा है। तो काफ़ी बड़ी सिटी है यार ये मथुरा। मैंने मैप में देखा था, मुझे लगा छोटा होगा थोड़ा। मतलब अब तो भाई, अब तो ईगो पे ले लिया। देखो मैंने बात 400 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद मैं बैठा ही हूँ अभी। मतलब नॉन स्टॉप चल ही रहा हूँ। लोहे के बन गए मेरे, तो अब कुछ नहीं होता। मेरा मन कर रहा है पता ताजमहल देखने का। आगरा में एक घर भी है हमारा, वो पागल खाना है एक अच्छा सा। रोड में डिस्पोजल ग्लास फेंक रखे, ओपन है पी रहे बैठ के सब झांझी। फिर अभी ताजमहल वाले एरिया में भी गया था, पर ताजमहल दिखाई नहीं, अंधेरा हो गया था इस चक्कर में। ब्लैक कॉफी नॉर्मल, तो हार्ड बना देना थोड़ा। हाँ चलो ठीक है ब्रो, मिलते हैं। अच्छा लगा मिलके आपसे। ठीक है भैया, अच्छा लगा जरूर। तो अभी यहाँ पर रुका हुआ था और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी वगैरह पी। आऊँगा। तो काफ़ी अच्छे थे यार ये भैया लोग। चार्ज पी लिया और कॉफ़ी भी पी दी मैंने। आज मैंने पूरे दिन भर इन ट्रक्स के अलावा कुछ नहीं देखा, बस यही हॉर्न चाहिए मुझे। यही हॉर्न मारूंगा। यहाँ पर देखो अभी एक एक्सीडेंट हो गया इस बस का। अच्छा तो अभी पुलिस आ रही थी। इतनी बाइक्स एडवांटेज ऑफ बाइक्स। साढ़े 500 किलोमीटर अप्रोक्स चला दी मैंने। अभी सोऊंगा नहीं मैं, सोना मैंने सीधे सुबह। अलादीन नाइस अलादीन। अच्छा अरे मंदिर है। हाँ चेन स्प्रे, मैं तभी बोल रहा यार कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। चेन स्प्रे करता हूँ भाई। अबे तू चिंता मत करना, मैं तुझे बता रहा हूँ ना मैं पहुँचाऊंगा, मेरी टेंशन मत ले तू भाई। मैंने बोल दिया ना, मैंने जुबान दे दी है तो दे दी है। मैं रात में पता क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि ये है एयर कूल, ठीक है। रात की हवा है ठंडी, तो मैं जितना लंबा ट्रैवल कर सकता हूँ कर सकता हूँ। ड्यूक होती, ड्यूक में क्या दिक्कत थी, ड्यूक में तो ऐसा भगाता मैं भाई, उसमें तो रात हो दिन हो कुछ भी हो, पर ड्यूक में ये पेट्रोल। अबे यार ये भैया की बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल पी रही है यार, बहुत ज़्यादा यार। मैंने तब से 3000 रुपये का पेट्रोल भरा दिया और अभी झांसी भी नहीं पहुँचा मैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर रात में ट्रैवल करना है इतना लंबा, तो सिर्फ एक चीज़ से बच के रहना है आपको। पता है किसकी बात कर रहा हूँ, गायों की बात कर रहा हूँ मैं। जो गाय है वो कभी भी क्रॉस कर दे रही है। मतलब मेरे साथ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक गाय पड़ी हुई थी, वो डेड थी, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, पर मैं बताऊंगा कि आपको संभल के चलना है, क्योंकि गाय वगैरह कभी भी मिल सकती है रात में हाईवेज में आपको। अरे मुझे किधर जाना है यार, मुझे रास्ता नहीं पता। अभी मैं झांसी के ठीक मिड सेंटर में पहुंच गया हूँ आई थिंक। सागर वाला रास्ता कौन सा है, सागर वाला कौन सा है? बोर्ड तो लगाओ यार, एटलीस्ट कन्फ्यूज हो जाता हूँ यार। सागर वाला रास्ता भाई जी। अच्छा थैंक यू भाई जी। सागर किसी दोस्त का नाम नहीं है, दोस्त का नाम भी है मेरे, पर सागर जगह का नाम है, तो वहाँ जाना है पहले। तो भाई ये देखो मध्य प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मतलब इस टूर में आधा इंडिया तो मैं घूम ही जाऊँगा। मैं पूरी रात भर चलाऊँ, अब सुबह होने वाली है, और कितना चल गया हूँ मैं अभी बताऊँगा आपको। ये मेरा एक नया रिकॉर्ड है, सागर 15 किलोमीटर। चलो ठीक है यार, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, नीचे लिंक होगी। मिलते अपने जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके बाद ही स्टार्ट होगा बस, क्योंकि अब हो गई है सुबह। तो सुबह का नया व्लॉग बनेगा एकदम ताज़ा ताज़ा सा। भले ही मैं बासी हो रहा हूँ इस टाइम पे, पर व्लॉग ताज़ा बनेगा भाई। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय यार, पीस आउट गाइस, पीस आउट।